गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में जमकर मतदान हुआ। आरसू के चंद्र प्रकाश का जलवा गिरिडीह, बागमारा और गोमिया में दिखा, तो वहीं टुंडी और डुमरी में जयराम महतो सभी पर भारी पड़े। झामू के मथुरा महतो पर मुस्लिम और आदिवासी मतदाताओं की कृपा बरसी। जी आज इस क्षेत्र में चूँकि कुछ मूलभूत सुविधाओं का अभाव था पहले, और उसके चलते लोगों को बड़ा दिक्कत होता था। आज कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आज सड़कें बनी है, लोगों के गांव तक, घरों तक सड़क पहुंचा है, बिजली पहुंची है, और कमोवेश कहीं कहीं पानी का भी सुविधा है। लेकिन उसके बाद भी और भी चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बेहतर कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, या मेडिकल का भी कोई कॉलेज नहीं है। बढ़िया अस्पताल अभी तत्काल में लोगों को इलाज करने के लिए 24 आवर का सर्विस देने वाला अस्पताल नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ आज मतदान करने के लिए आए हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि अब यहाँ जो सड़कें हैं वो तो हो गई हैं, अच्छी सड़कें अभी बनी हुई है यहाँ क्षेत्र में, अब यहाँ बेहतर कॉलेज हो और वो रोजगार देने वाला कॉलेज हो, जो डिग्री कॉलेज हो, सिर्फ ऐसा नहीं, रोजगार परक शिक्षा देने वाला कॉलेज होना चाहिए, जहाँ पर लोग ITI करे या IIT जैसी जो कॉलेज होती है, उस टाइप का कॉलेज इस क्षेत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यह क्षेत्र एक समय में काफ़ी बदनाम हो चुका था, आज यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो JNU में पढ़ना चाहते हैं, DU में पढ़ना चाहते हैं, और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, पर यहाँ सुविधा नहीं है, उनके लिए स्कोप नहीं है। ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ यदि नज़दीक में इस तरह का व्यवस्था होगा तो निश्चित रूप से यहाँ का जो भी युवा है, जो पढ़ने वाले हैं। आज 33 डुमरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो असेंबली सेगमेंट है, 6 गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का, वहाँ पे 373 बूथों पर मतदान चल रहा है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। अभी तक 9 बजे तक जो रिपोर्ट है वो 12.65% हमारा पोलिंग हो गया है, और कहीं भी किसी तरह की कोई बात नहीं है। जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ रही है मशीन वगैरह बदलने की, वहाँ पर हम लोग, हमारे सेक्टर में स्टेट के पास रिजर्व मशीन है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि कहीं पर किसी तरह की कोई बात नहीं होगी, शांतिपूर्वक अच्छे से मतदान होगा। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।